अगर आपको भी बार बार मीठा खाने का मन करता है और आप सोचते हैं कि चलो मार्केट से कौन लाएगा, तो आप घर पे इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ईजी है बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चीनी ली है 1 कटोरी, और पानी मैंने डाल दिया उसमें और उसे रख दिया गैस पे। तो उसे हमें चाशनी बनाना है, चाशनी के लिए रखी है। और यहाँ पे मैंने ली है 1 कटोरी नारियल बुरादा, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, और उसमें डाल दिया मैंने 1.5 चम्मच के करीब घी। बस इस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पागलपन किया था, मैं चम्मच से मिक्स कर रही थी तो ये नहीं हुआ, फिर हाथ लगाना ही पड़ा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में कुछ तो स्पेशल बनाना ही चाहिए। भाई हैं, किस किस को याद है कि अपने भाइयों से बहुत लड़ाइयाँ करते थे बचपन में। हमने तो बहुत किया है लड़ाइयाँ। और ये देखिए, ये ना चाशनी बन के तैयार है। तो इसकी चाशनी ना एक तार की नहीं बनानी है, बस ये चिपचिपी होनी चाहिए। काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है चीनी और चाशनी तैयार है। तो इसमें सारे मिक्सर को डाल देंगे और डाल के इसमें सारा अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। तो बस इतना सा ही इसमें काम है, और एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं है। आप फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ी सी इलायची डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैंने ना इसमें थोड़ी सी इलायची डाली थी, और मिक्सर ना काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया था। तो अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, ताकि काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे ट्रे में रख दे रही हूँ, और नीचे मैंने बटर पेपर लगा रखा है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, थाली में चाहे प्लेट में, किसी भी चीज़ में थोड़ी सी घी लगा के उसमें रख सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, बहुत जल्दी से सेट हो जाता है। तो अब इसमें हम थोड़ी सी लगा देंगे ड्राई फ्रूट्स, और बस ये बन के तैयार है। और मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में। तो ये 1 घंटे में काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है, और अब हम इसमें कट लगा लेंगे। और बस ये बर्फी बन के तैयार है। तो आप इस तरीके से बना सकती हैं घर में, बहुत ही जल्दी बन जाता है। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।